हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट, वी हैव लर्न्ड अबाउट वेरियस केमिकल फैक्ट्स इन आवर प्रीवियस क्लास। इन दिस चैप्टर वील बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर केमिकल चेंजेस एंड वॉट आर द रूल्स एंड मेथड्स बाय विच वी कैन राइट दीज केमिकल चेंज वेरी इजिली इन अवर नोटबुक ऑन अ पीस ऑफ पेपर। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज के बारे में लर्न करेंगे और उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम उनको अच्छी तरीके से कन्वीनियंटली साइंटिफिकली डिपिक्ट कर सकते हैं, उसको हम लिखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा, कि यहाँ पे जैसे मिल्क को अगर हमने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो क्या होगा, ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं बच्चों के हमें ये बताना है कि ये सारे के सारे जो सिचुएशंस हैं, क्या ये केमिकल चेंज हैं या नहीं है। एक आयरन के तवा को या एक कील को हमने अगर बाहर के एटमॉस्फेयर में हमने छोड़ दिया तो क्या होगा। अंगूर के रस को अगर हमने जो है क्रश करके अंगूर को हमने एक बॉटल में छोड़ा तो क्या होगा। अगर हमने खाने को पकाया, फूड इज कुक्ड, तो क्या होगा। और अगर फूड को हम खाते हैं हमारी बॉडी में तो उसके डाइजेशन पे क्या होगा, या हम जब सांस लेते हैं हमारा जो खाना हमने खाया हुआ है उसका क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर हम एक बार कोशिश करें आंसर करने की तो हमको ये दिखाई देता है कि ये सभी जो हैं वो एग्जाम्पल हैं केमिकल चेंज के। इन चीज़ों को फर्दर हम समझें इससे पहले एक बार जरूरी होगा कि हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पे जो है एक रिवीजन ले लें, जो कि हमने पहले की क्लास में पढ़ भी रखा है। बच्चों, फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं और उसमें कोई भी नया केमिकल नहीं बनता है। जो सबसे आसान एग्जाम्पल है, जैसे हमने कोई कागज़ का टुकड़ा लिया, उसको हमने टेयर कर दिया, राइट, उसको हमने पीस पीस में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हुआ है। कागज़ फटने के बाद भी कागज़ ही है और इसको जो है हम रिवर्सिबल चेंज मान सकते हैं, क्योंकि इसको चिपका के हम वापस से वैसे बना सकते हैं। बर्फ़ के टुकड़े को हमने रखा, वो गल के पानी बन गया, राइट। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई नया केमिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। और पानी को वापस से हम फ्रिज में रखेंगे तो ये फिर से जो है फ्रीज होके जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, फिजिकल चेंज में कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी वापस उनको हम आसानी से नहीं कर सकते और उसमें जो है वो न्यू केमिकल्स की फॉर्मेशन लगातार होती है। बच्चों, एक बार फिर समझा दूँ आपको कि केमिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, उनमें इरिवर्सिबल होते हैं, उसमें कोई भी हम जो है अगर रिएक्शन को छोड़ दें तो वापस से जो रिएक्टेंट है वो फॉर्म नहीं होता है, और केमिकल चेंज में जो है हमेशा नया केमिकल फॉर्मेशन होता है। अब हमको कैसे पता लगेगा कि भाई कि कोई भी जो है हमने जो चेंज कराया है वो केमिकल चेंज है या नहीं है। कोई केमिकल प्रोडक्ट अगर उसमें बन रहा है तो वो हमें कैसे पता लगेगा। हाउ वी विल कम टू नो वेदर ए न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और नॉट फॉर्म्ड। इफ यू सीन दिस स्लाइड, ये चार चीजें हैं जिससे हमको आइडिया लग सकता है कि भाई गिवन चेंज में केमिकल नया फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट इन्वॉल्व होती है, कलर चेंज होता है बच्चों, और एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का भी जो है वो फॉर्मेशन हो सकता है और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। ये सारे चेंज बच्चों सजेस्टिव हैं, यानी
ये सारे चेंज जो हैं ये सजेस्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो हम लोगों ने तुरंत कंक्लूड कर लिया कि यहाँ पे केमिकल चेंज है, राइट। बहुत सारे अलग अलग जो है वो केमिकल फाइंड करने के और भी मेथड्स हैं, लेकिन ये कुछ सजेस्टिव मेथड हैं, इंडिकेटिव मेथड हैं। इनसे पता लगता है कि न्यू केमिकल की फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है। आगे हम बच्चों तीन एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखने वाले हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल जो है, जो अभी हम एक वीडियो देखेंगे जिसके अंदर मैग्नीशियम वायर को या मैग्नीशियम रिबन को हम लोग एयर में बर्न करने वाले हैं। इसको देख के हमको आइडिया लगाना है, बच्चों ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्या ये एक केमिकल चेंज है या नहीं है। अगर ये केमिकल चेंज होगा तो हो सकता है इसमें नया केमिकल की फॉर्मेशन हो, जिसकी फॉर्मेशन का पता हमको स्टेट चेंज से या गैस की फॉर्मेशन से या कोई न्यू चीज के हमको दिखाई देने से, कलर के दिखाई देने से पता लग सकता है। This is an example of a synthesis reaction. We're going to take a strip of magnesium and burn it in our Bunsen burner. We're going to use crucible tongs and hold the magnesium in the flame without directly looking. You never want to look directly at the burning magnesium. It's going to emit a very, very bright white light. And so you want to make sure you look away so that you don't damage जैसा the कि आप देख tongs. पा रहे हैं कि ये टोंग से जो है मैग्नीशियम रिबन को पकड़े हुए हैं और एक बंसन बर्नर के पास में जो है इसको जो है रिबन को लेके आ रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन को बंसन वायर मैग्नीशियम रिबन को जो है बंसन बर्नर पे जो है ये लोग शो अप करेंगे और उससे क्या होता है बच्चों इसको ध्यान से देखिए। Never drop the burning magnesium directly onto the watch glass. Hold it and just let it burn until it burns itself out. And it will crumble and product will hit the watch glass. But if you actually drop a burning piece of magnesium onto the watch glass, you do risk breakage. So use caution. So again, this is synthesis, the burning of magnesium. देखिए जैसे ही इन्होंने जो है वो उसको रिबन को बर्नर पे लगाया, बहुत ब्राइट लाइट के साथ में जो है वो स्मोकी फ्लेम दिखाई दी और पूरा जो रिबन है वो बर्न होके एक ग्रे कलर के एश सब्सटेंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है। इस पूरे वीडियो में जो आपने देखा उसको देख के क्या हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कोई नया केमिकल फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, चेंज इन कलर हुआ है या नहीं हुआ है? बच्चों आप खुद ही आंसर करें इस बात को। कोई नया गैस निकला है क्या? क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है? अगर इनमें से कुछ भी चेंज हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि इस गिवन एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम वायर को जब हमने एयर में बर्न किया उसे कोई नया केमिकल फॉर्म हुआ है और नया केमिकल फॉर्म होने से ये जो चेंज है वो एक केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको शो कर रहा हूँ वो जिंक का रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से है। बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का रिएक्शन सेम ही होगा। जो एक्सपेरिमेंट है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है तो उससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शन सेम ही होगा। ध्यान से देखिए। इन्होंने एक बॉटल में ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है लेकिन चूंकि डाइल्यूट चाहिए इसलिए टेस्ट ट्यूब में पानी मिला के इसको जो है इन्होंने डाइल्यूट कर रखा है और जिंक ग्रैन्यूल्स जो है वो इस ब्लैक कलर की बॉटल में है और जिंक ग्रैन्यूल्स का कलर देख लीजिए बच्चों इस तरीके से ये है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है जहाँ तक मुझे याद है आप लोग अपनी केमिस्ट्री लैब में कर चुके हैं और ये जिंक ग्रैन्यूल्स को जैसे ही इन्होंने जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया उससे जो है वो हाइड्रोजन के बबल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। गैस के लाइट होने की वजह से ये गैस ऊपर जो है वो राइज कर रही है।
इस तरीके से जो है इसमें हमने देखा कि जिंक की रिएक्शन जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से होती है तो उसके अंदर क्या होता है। तो ये देखिए अभी भी हम लोग को कंक्लूड करना है कि गिवन एक्सपेरिमेंट क्या एक केमिकल चेंज था या नहीं था। अगर केमिकल चेंज है तो उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल प्रोडक्ट बनना चाहिए, कोई स्टेट चेंज होना चाहिए, कलर चेंज हो सकता है, कोई गैस का फॉर्मेशन हो सकता है या टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे जिंक का रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड से हुआ बच्चों, तो उसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हमको साफ साफ दिखाई दे रहा था। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जिंक का जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो नया केमिकल प्रोडक्ट बनता है, उसकी वजह से ये जो गिवन चेंज है वो केमिकल चेंज है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको शो कर रहा हूँ वो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों ही वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड हैं। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर सॉल्यूशन हम लोग मिक्स कराएंगे तो क्या बनेगा ये देखिए आप। ये बीकर के अंदर पोटेशियम आयोडाइड एक लाइट बहुत लाइट येलो कलर का सॉल्यूशन है ये। और इसके अंदर जो है ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं और लेड नाइट्रेट के ऐड करने से जो है वो लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है। बहुत ब्यूटीफुल रिएक्शन है। एक बार फिर से देख लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन है, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिलाने से जो न्यू केमिकल बन रहा है लेड आयोडाइड का, वो येलो कलर का एक सॉल्यूशन है। तो इस तीसरे एक्सपेरिमेंट में भी जो कि नया कलर का केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इससे हमको ये कंफर्म हो जाता है कि ये भी जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर नया केमिकल कंपाउंड बना है। नए केमिकल कंपाउंड के बनने से ये हमको पक्का श्योर हो जाता है कि ये एक केमिकल चेंज है और ये जो है फिजिकल चेंज नहीं है। बच्चों हमने इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या लर्न किया है, इसको जो है हम लोग आंसर कर सकते हैं क्या, कि एक केमिकल चेंज मस्ट शो फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल एंड इफ यू लीव रिएक्शन लाइक दैट द प्रोडक्ट फॉर्म विल नॉट टर्न बैक टू रिएक्टेंट। यानी अगर केमिकल चेंज है तो इसके अंदर नया केमिकल का फॉर्मेशन जरूर होगा, और अगर हम रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट को छोड़ दें तो ये अपने आप रिएक्टेंट के अंदर कभी भी कन्वर्ट नहीं होते हैं, बिकॉज केमिकल चेंज आर ऑलवेज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि प्रोडक्ट वंस फॉर्म विल नॉट टर्न बैक इन टू रिएक्टेंट, दे विल रिमेन लाइक दैट ओनली। कुछ और एग्जाम्पल जो केमिकल चेंज के हैं, यह हमने जब पहली स्लाइड देखी थी उसमें भी हमने देखा कि मिल्क को जब हम छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, हमें सब मालूम है कि ये जो है दूध फट जाता है, मिल्क की कर्डिंग हो जाती है, इट इज़ ए केमिकल चेंज। आयरन को जब हम एयर में छोड़ देते हैं तो आयरन के अंदर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, नया केमिकल बनता है, इट इज़ ए केमिकल चेंज। ग्रेप्स के जूस को अगर हम छोड़ते हैं या ग्रेप्स को हम क्रश करके रखते हैं तो उससे फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है, नया केमिकल बनता है, इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस। फूड को जब हम पकाते हैं बच्चों, तो फूड के पकाने से नए केमिकल फॉर्म होते हैं जो कि सिंप्लीफाइड होते हैं, इट इज़ ए केमिकल चेंज, राइट। तो इसके अंदर भी नए केमिकल बनते हैं, और फूड का डाइजेस्ट होना या रेस्पिरेशन के अंदर हमारी बॉडी में कंबस्ट होना वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें नए केमिकल की फॉर्मेशन होती है। अब बच्चों आपको जो है एक छोटा सा मैं वर्क दे रहा हूँ, देखिए इसमें लिखा है कि राइट 5 मोर केमिकल चेंज अराउंड यू एंड पोस्ट इट ऑन द ग्रुप, यू मस्ट राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ पेज। यानी आपको क्या करना है कि 5 और केमिकल चेंज जो आपके चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो लिखिए एक कागज पे, और उस कागज पे प्लीज अपना नाम
नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग को अभी इस चैप्टर में जो आज लेना है वो है वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन। इसमें से वर्ड इक्वेशन को हम आज पढ़ेंगे और सिंबल इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट लेसन में लर्न करने का कोशिश करेंगे। वर्ड इक्वेशन क्या होता है बच्चों? ये केमिकल चेंज का जो पूरा स्टोरी है, अगर हम उसको मिनिमम वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो इसको, इस एक्सप्रेशन को जो बहुत एक सिस्टमेटाइज और इजी एक्सप्रेशन होता है, इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये आप देखिए, क्या था आपके पास? वो रिएक्टेंट हो गया। क्या बना? रिएक्शन के बाद में वो प्रोडक्ट हो गया। पहले हम रिएक्टेंट लिखते हैं, एरो जो है वो टाइम की डायरेक्शन को शो करता है, और जो बना बाद में वो प्रोडक्ट हम लिख देते हैं, इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं तो हम रिएक्टेंट वन प्लस रिएक्टेंट टू, और प्रोडक्ट भी अगर एक से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू लिखते हैं। लेकिन कहीं भी हमको श्योर नहीं होता, ये तो रिएक्शन के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट हैं, उनको हम लिख देते हैं। द समरी ऑफ केमिकल चेंज इज शोन इन मिनिमम वर्ड्स। एरो शोज डायरेक्शन ऑफ टाइम, मीन्स वॉट इज वॉट इट वॉज टू वॉट इट बिकम्स। यानी कि रिएक्शन का डायरेक्शन एरो शो करता है, क्या था और क्या बन गया। इस सब को जब हम एक बहुत सिस्टमेटाइज ढंग से लिखते हैं, जैसा आपके एग्जाम्पल में है, इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। वी कैन ट्राई वर्ड इक्वेशन ऑफ थ्री एक्सपेरिमेंट वी जस्ट डिड। फॉर एग्जाम्पल, पहले केस के अंदर हमने मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया और उससे हमको ग्रे कलर का ऐश फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो हमने लिखा है ये इसका वर्ड इक्वेशन हो गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जिंक ग्रैन्यूल्स का हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया, हाइड्रोजन गैस बना और जिंक क्लोराइड बना। इसको हम लिखेंगे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एरो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इसका वर्ड इक्वेशन हो गया। और इसी तरीके से लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराया तो येलो कलर का लेड आयोडाइड बना और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बना। इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे स्क्रीन में शो कर रखा है, ये इसका वर्ड इक्वेशन हो गया। वर्ड इक्वेशन जो है वो पूरी स्टोरी को जो केमिकल चेंज है बहुत मिनिमम वर्ड्स में शो कर रहा है, और एरो से हमको ये पता लग रहा है कि क्या चीज़ हमारे पास पहले थी और क्या ये बाद में बन गई। एक वर्कशीट दे रखी है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, ये आप ट्राई करिए। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और पेपर पे सबसे ऊपर अपना नाम लिखे और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को आप अच्छे से जो है वो वर्ड फॉर्मेट में जो है शो करिए, वर्ड इक्वेशन लिखे। और दो और वर्कशीट हैं इसके बाद में जो मैं अभी व्हाट्सएप पे आपको डाल दूंगा, इस वीडियो के एंड में भी दिखा रखी है, वो आपका होमवर्क होगा जो आपको कल मेरी क्लास में आने से पहले जो है आपको मुझे पोस्ट करना होगा। राइट बच्चों, एक बार मैं क्लास को फिनिश करने से पहले सम अप कर लेते हैं कि हमने आज क्या लर्न किया है। हमने पढ़ा है कि केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और प्रोडक्ट जो एक बार बन जाते हैं वो अपने आप से रिएक्टेंट में कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं। तीन एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया, दूसरे में जिंक ग्रैन्यूल्स को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने लेड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया। हमने ये पढ़ा कि इन तीनों के अंदर कोई ना कोई नया केमिकल फॉर्म हुआ, इसलिए सारे के सारे एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। हमने ये पढ़ा बच्चों आज के हम इन सारे केमिकल चेंज की स्टोरी को एक मिनिमम वन लाइनर में कैसे लिख सकते हैं, उसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। वर्ड इक्वेशन का एक पहला वर्कशीट आपके सामने है, इसको लिख के आप मुझे पोस्ट करिए। बाकी के दो वर्कशीट जो हैं वो आपको मुझे कल की क्लास को आने से पहले आपको मुझे शो करने हैं, करके आपको व्हाट्सएप पे डाल देना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।